बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक होंगे, और हमेशा की तरह आपकी बहन की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने ज़माने में रखे। तो व्यूअर्स, अभी ये आज मैं गई थी सदर, और सदर में बोरजान वाले जो हैं उनके 50% डिस्काउंट था, और ये स्टालर बहुत पसंद आया मुझे, लेकिन इस फिर भी उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था, क्योंकि ये जो चप्पल थी हील वाली या थोड़ा सा सोल था, बड़ी ही प्यारी आई हुई थी, तो मैंने एक जूती लेनी थी, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि देख लेते हैं यहाँ से अच्छी मिल जाती है, तो क्योंकि 50% ऑफ था, और इसकी ये जो पेंसिल हील वाली जूती थी बहुत खूबसूरत थी, और साथ ही एक ड्राई फ्रूट्स की शॉप थी, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गए, वहाँ से हम लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स और गुड़ लिया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनानी थी। और ये जो है ये भी सदर में एक शॉप है, साथ ही वहाँ पे ये कर्टन वगैरह जो है उसके कर्टन लगाने वाले जो होते हैं ना, उसके साइडों पे पाइप के ऊपर जो लगे होते हैं वो बड़े खूबसूरत थे, मतलब फैंसी बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये जो है ना ये भी इसकी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँ। और फिर हम घर आए, आज ख़त्म वगैरह भी करवाया, थोड़ा हलवा बनाया मैंने, थोड़ी सी मिक्स खीर बना ली और जल्दी जल्दी ख़त्म करवा लिया, और कीमा आलू कीमा जो वो जो था सॉरी हाँ कीमा वो जो है वो मैंने बनाया था साथ, और थोड़े से फ्रूट्स काट के तो ख़त्म वगैरह कर लिया, और खाने के लिए सालन जो था वो थे, बच्चों का दिल था कि पुलाव मंगवा लें मम्मा, क्योंकि पुलाव का इनका बड़े दिनों से मूड था, तो आज संडे था, तो फिर हमने ऐसे ही ऑर्डर करके मंगवा लिया। तो व्यूअर्स ये देखें, बाउल सेट में लाई हूँ 3 पीस, ये देखें 1 and 2, बड़ा बाउल 3, और बहुत प्यारे लगे मुझे, माइक्रोवेव में यूज होने वाले बाउल हैं ये, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूं कि मैंने आज क्या ख़रीदा। आज संडे था और छुट्टी थी बच्चों को, तो मैंने सोचा कि ये ज़रूरी एक थी, क्योंकि वैसे तो बाउल सेट हैं लेकिन छोटे हैं, मीन्स के जैसे मतलब कस्टर्ड या खीर वगैरह के लिए, तो ये फिर मैं ट्राइफल वगैरह जब बनानी होती तो बड़ा मसला होता है, बड़ा बाउल था नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि ये नहीं होगा, फिर मैं ये ले आई। जी आपको नज़र आ रहा होगा मैंने सिल्वर का एक कटोरा है बाउल टाइप, उससे मैंने ले लिया, और उसमें मैंने जो है ग्रीन टी जो है वो रखी हुई है। मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, शाम का टाइम है और ख़त्म वगैरह चौके था, तो ख़त्म भी थोड़ा सा करवाया, और साथ जो है वो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग तो चाय पीती हैं मैं और मेरी बेटी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रीन टी पीते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये ग्रीन टी रखी है। और ग्रीन टी आप देख रहे होंगे कि ये किस तरह की ग्रीन टी है, तो ग्रीन टी जो है ये मैंने साशे जो है ना ग्रीन टी वाले वो जो है मैंने खोल के मैं अंदर डालती हूँ पानी के अंदर, वो अच्छे से जो है ना हल हो जाता है, बड़ा मज़े का कावा बनता है, उसमें लेमन डाल लेते हैं हम लोग। और कोरोना के दिन आजकल वैसे भी कावा जो है वो बेहतरीन होता है, हमें यूज़ करना भी चाहिए, वैसे रूटीन होनी भी चाहिए, कभी कभार मैं भी पी लेती हूँ, लेकिन रात को मैं चाय ही पीती हूँ। तो इसमें मैंने ग्रीन टी का साशे निकाल के एक डाला हुआ पूरा, सौंफ, दालचीनी थोड़ी सी ऐड की थी, और शुगर। तो अभी ये जो है तैयार हो जाएगा, तो फिर अपने हस्बैंड को दूंगी लेमन डाल के। तो ये देखें लेमन काट के रखे हुए हैं, 2 लेमन है मैंने काट करके रखे हुए हैं, ये मैंने अभी कप के अंदर इसे इसका रस निकाल लेना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बड़ा कप ये वाला ग्रीन टी का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ना 2 लेमन हो तो वो, और वैसे भी लेमन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और लेमन आपको पता है वैसे भी अच्छा होता है आजकल के दिनों। तो व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।